तो इस वीडियो का टॉपिक है कि फ्रेश एम्ब्रियो ट्रांसफर करवाना चाहिए या फिर फ्रोजन एम्ब्रियो ट्रांसफर करवाना चाहिए। फ्रेश एम्ब्रियो वो होते हैं कि जो आपके जिस मंथ में आपके एग रिट्रीव होते हैं उसी मंथ में आपकी फर्टिलाइजेशन आप टेस्ट ट्यूब या फिर यानी कि लैब में करवा दी जाती है और उसी मंथ आपके अंदर ट्रांसफ़र कर दी जाती है, तो उसको कहते हैं फ्रेश एम्ब्रियो ट्रांसफ़र। और जो फ्रोजन एम्ब्रियो होते हैं वो जिस मंथ में आपके एग रिट्रीव किए जाते हैं और उसी मंथ आपके फर्टिलाइज होते हैं, लेकिन उसको अगले मंथ यानी कि अगली साइकिल में आपको ट्रांसफ़र किया जाता है या फिर उससे अगली साइकिल में ट्रांसफ़र किया जाता है। उससे पहले डॉक्टर हिस्टोस्कोपी भी कर सकती है या फिर आपको बिना हिस्टो के आपको नेक्स्ट मंथ में उसको एम्ब्रियो ट्रांसफ़र किए जाते हैं, उसको कहते हैं हम फ्रोजन एम्ब्रियो ट्रांसफ़र। तो इन दोनों में से कौन से ज़्यादा बेनिफिट है, आपको कौन सा करवाना चाहिए और क्यों? तो देखिए, मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस जो है और जो मैंने रिसर्च भी करी है इस टॉपिक पे, तो मैंने मेरे अकॉर्डिंग टू डॉक्टर्स एंड अकॉर्डिंग टू माई पर्सनल एक्सपीरियंस टू कि आपको फ्रोजन एम्ब्रियो के साथ जाना चाहिए। देखिए, फ्रेश एम्ब्रियो ट्रांसफ़र जो होता है वो सुनने में ऐसा लगता है कि फ्रेश है, आपको उसी टाइम उसी मंथ में आपको ट्रांसफ़र करवा लेना चाहिए, लेकिन उसके साथ दिक्कत ये होती है कि जब आपके इंजेक्शंस दिए जाते हैं जो आपको ओवरी को स्टिमुलेट करने के लिए एग बनाने के लिए, उसके साथ OHSS जो मैंने आपको पहली वीडियोस में भी आप देख सकते हैं बताया है, उसके साथ OHSS होना बहुत ही बहुत कॉमन है और किसी किसी का रेयर केसेस में सीवियर भी हो जाता है। और इस वजह से अगर आप प्रेग्नेंट हो जाती हैं उसमें, तो फिर आपका जो OHSS है वो बढ़ सकता है, यानी कि उसको कंट्रोल करना बहुत मुश्किल हो जाता है और आपको सिम्टम बहुत ज़्यादा आते हैं, आपको बेड रेस्ट करना पड़ता है, आपकी प्रॉब्लम्स बहुत बढ़ जाती हैं। और अगर आपको मल्टीपल प्रेगनेंसी है तो आपकी प्रॉब्लम्स और बढ़ जाती हैं, तो इसलिए आपको फ्रोजन एम्ब्रियो ट्रांसफ़र करवाना चाहिए ताकि उस मंथ में आपकी ओवरीज को रेस्ट मिल जाए और नेक्स्ट मंथ आपकी प्रेगनेंसी हो, तो आपकी प्रेगनेंसी नॉर्मल रहे, इवेंट ज़्यादा की यानी कि इसमें कोई कॉम्प्लिकेशंस ना हो। अब बात करते हैं फ्रोजन एम्ब्रियो ट्रांसफ़र की। देखिए, पहले जो टेक्निक्स होती थी उसमें जो इतने फ्रीज़ करने की जो टेक्निक थी वो इतनी अच्छी नहीं होती थी, तो उसमें क्रिस्टल्स बन जाते थे एम्ब्रियो में। लेकिन आजकल की जो न्यू टेक्निक है, बिल्कुल लेटेस्ट जो टेक्निक है, उसमें ऐसा कुछ नहीं होता है, उसमें बहुत ही अच्छी टेक्निक है वो, और उसमें एम्ब्रियोस को कोई नुकसान नहीं होता है फ्रीज करने के बाद। और उसके बाद जब आपके नेक्स्ट साइकिल में आपको जिसको ट्रांसफ़र किए जाते हैं तो थॉ करने में भी कोई प्रॉब्लम नहीं आती है, और फिर आपकी जब ओवरी को रेस्ट मिलने के बाद आप प्रेग्नेंट होते हैं तो आप एक तरह से नॉर्मल प्रेगनेंसी होती है आपकी, जैसे नॉर्मल लेडीज़ को प्रेगनेंसी होती है, उसके ही सिम्टम आएंगे, उसके अलावा OHSS या फिर कोई भी सिम्टम आपके चांसेस बहुत कम है उसके आने के, तो आपकी नॉर्मल प्रेगनेंसी मानी जाएगी। यानी कि आपको ज़्यादा प्रिकॉशंस या ये सब तो इसके साथ एसोसिएटेड होता ही है, लेकिन आपको जो आप पर्सनल जो मेरा एक्सपीरियंस है, जो पर्सनल जो मैंने खुद रिसर्च किया है और खुद इस बारे में सोचा है, खुद इसको मैंने डॉक्टर से साथ डिस्कस किया है, तो उसमें OHSS, क्योंकि मैंने OHSS एक बार नहीं, दो बार, तीन बार मेरे को OHSS हो चुका है, तो उसके सिम्टम बहुत ज़्यादा आपको तकलीफ़ देते हैं, और इस वजह से आपको नेक्स्ट साइकिल में फ्रोजन एम्ब्रियो के साथ ट्रांसफ़र कराए तो वो ज़्यादा मच बेटर ऑप्शन है, और उसमें आपके प्रेगनेंसी के चांसेस भी ज़्यादा अच्छे रहते हैं। तो ये सब मैं आपका पर्सनल एक्सपीरियंस में और ईजी भाषा में आपको बता रही हूँ। तो आज के लिए बस इतना ही, थैंक यू।